जय भीम जय मूल निवासी एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। शुक्रवार दिनांक 25 जून 2021 को मूल निवासी संघ एवं विद्यार्थी संघ के द्वारा नैनीताल से बीजेपी सांसद माननीय अजय भट्ट जी के पिछड़ा वर्ग एससी एसटी ओबीसी के बैकलॉग के रिक्त पदों को रद्द करने संबंधित बयान के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति एवं उत्तराखंड के राज्यपाल के नाम रुड़की हरिद्वार उपाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर मूल निवासी विद्यार्थी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर ललित कुमार इन्होंने इस बयान को संविधान एवं पिछड़े वर्गों के खिलाफ तथा सामाजिक न्याय विरोधी बताते हुए एक निंदनीय एवं पाखंडकारी बयान बताया है। उन्होंने कहा कि अक्सर सत्ता के नशे में चूर मंत्री विधायक एवं सांसदों की जबान फिसल रही है, मीडिया भी उन्हें बचाना चाहती है, लेकिन लोकतंत्र में इन नेताओं की फिसलती जबानों के खिलाफ जिस दिन जनता ही जबान खींच लेगी तो हाल बुरा होगा। जनता का सबर न तोड़े, न्याय करे, देश को शांति से बंधुभाव से मजबूत करे, जनता की सेवा करे, अन्यथा हर्ष बुरा होगा। अभी अभी सोशल मीडिया के माध्यम से एक बयान वायरल हुआ है जो कि माननीय अजय भट्ट जी का है, जो सांसद हैं नैनीताल से, और उन्होंने अपने बयान में कहा है कि पिछड़े वर्ग के ओबीसी एससी एसटी के जो लोग हैं उनके जो आरक्षित जो पद हैं जो बैकलॉग हो गए थे, यानी पूरे बैकलॉग को सरकार की मंशा है कि वो उसको ख़त्म करेंगे। ऐसे बयान जो संवैधानिक तौर पर गैर संवैधानिक है, ये बयान समाज में अशांति फैलाने के लिए ही बोले जाते हैं, लेकिन मीडिया की भी एक भूमिका होती है कि ऐसे बयान करने वाले नेताओं को वो हमेशा बोलते हैं कि नेताओं की जबानें फिसली हैं। ये जबानें फिसलने वाले नेता अगर आज इस तरह के बयान दे रहे हैं तो हम उसकी घोर निंदा करते हैं। ये इस समय पे जो आज कोरोना महामारी के दौर पर पूरा देश आर्थिक स्थिति से, स्वास्थ्य स्थिति से, पूरे देश की जो स्थिति है वो डामाडोल है, और उसके बावजूद भी बेरोजगारी बड़े स्तर पे बढ़ी है। जब सरकार को रोजगार देना चाहिए था देश के युवाओं को, वो रोजगार देने के रास्ते बंद करना चाहती है। पिछड़े वर्ग के लोगों को बैकलॉग के जो उनके अपने आरक्षित जो सीटें हैं उसको ख़त्म करने का एक मंशा जो सरकार की दिख रही है, और माननीय सांसद अपने बयान में उसको बयां कर रहे हैं, हम उसकी घोर निंदा करते हैं, और उसी को लेकर के हमने आज ज्ञापन दिया है। और इस चेतावनी के साथ जल्द ही अगर सरकार ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोगों को, अगर वो उसके आरक्षित पदों को, खास करके अभी बैकलॉग को एक स्पेशल भर्ती अभियान चला करके जल्दी अगर नहीं भर्ती है तो हम इसके खिलाफ एक आंदोलन करेंगे। और ये हमारा आज का ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम है, क्योंकि पूरे देश के विभिन्न राज्यों में बैकलॉग के पदों को सरकारों ने दबा रखा है, पिछड़े वर्ग के लोगों को उनके जो अधिकार हैं, उनकी जो रोजगार हैं वो ना दे करके वो उनको ख़त्म करने के रास्ते हमेशा ढूंढते हैं। आज कोरोना के टाइम पे सरकार इलेक्शन को देखते हुए आज स्वार्थी मंशा के हिसाब से देखती है, और इलेक्शन में वो भर्ती की बात करती है, रोजगार को लेकर भर्ती की बात करती है, लेकिन हम उन अर्थियों को याद दिलाना चाहते हैं जो अर्थियां कोरोना काल में सरकार की खोखली नीतियों की वजह से, सरकार की बद इंतजामी की वजह से, सरकार की गैर राजनीतिक मंशा की वजह से लोग मरे हैं, उनकी अर्थियों को याद करने की ज़रूरत है। सरकार उन अर्थियों को याद नहीं करती है, भर्तियों की लालसा दे करके उस पर राजनीति करके आज वो विद्यार्थियों को वो आज भ्रमित कर रही है, बेरोजगारों को भ्रमित कर रही है, देश की जनता को भ्रमित करना चाहती है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, और सरकार से अपने ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति से और उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल से हम निवेदन करते हैं कि ये जो सरकार की मंशा है इस पर घोर जो इसकी निंदा करते हुए हमारी तरफ से इस पर कार्रवाई की जाए। ऐसी जो जबाने फिसल रही हैं उन पर लगाम, जो बेलगाम जबाने हैं नेताओं की उस पर लगाम जल्दी लगाई जाए, नहीं तो अगर आज नेताओं की जबाने बेलगाम हो रही है तो जल्द ही जनता की जबाने बेलगाम होगी, और जिस दिन जनता की जबाने बेलगाम होगी तो हश्र बहुत बुरा होगा। इसलिए उससे पहले ही हम इनको चेताना चाहते हैं, यही ज्ञापन में हमने आज महामहिम राष्ट्रपति को सौंपा है। इस मौके पर मूल निवासी संघ के राज्य अध्यक्ष मूल निवासी सुधीर कुमार जी ने कहा कि यह बयान घोर निंदनीय है। सरकार जनता को और विशेषकर पिछड़े वर्गों को रोजगार न देकर रोजगार के रास्ते बंद करना चाहती है। हम अपने संगठन एवं संपूर्ण समाज के तत्वावधान में ऐसी कुनीति के खिलाफ आंदोलन के लिए तैयार है, जिसके बाद संगठन के कार्यकर्ता एवं विद्यार्थी संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ ज्ञापन सौंपा गया। इस वक्त मौके पर उपस्थित लोगों में मूल निवासी राजा गौतम, मूल निवासी आदेश कुमार, मूल निवासी राजीव सैनी, मूल निवासी राजीव यादव,
मूलनिवासी देशराज सिंह, मूलनिवासी संघ के राज्य महासचिव अनुज गौतम और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। एमएनटी न्यूज नेटवर्क के लिए उत्तराखंड से संवाददाता राजा गौतम की रिपोर्ट।